हाय दोस्तों, तो एसएससी सीएचएसएल 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इसके लिए जो फॉर्म है 6 दिसंबर से 4 जनवरी तक भरे जाएंगे, और पेमेंट वगैरह भी इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो 5 जनवरी तक होगी, और अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो वो 6 जनवरी 2023 तक होगी। इसके अलावा करेक्शन विंडो 9 जनवरी से 10 जनवरी तक ओपन रहेगी। टीयर वन का जो एग्ज़ाम है फरवरी मार्च 2023 में होगा, और टीयर टू के अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। सीएचएसएल जैसे कि आपको मालूम है क्लास 12 के बेसिस पर जनरली इसमें वैकेंसीज निकलती हैं। पे स्केल देख सकते हो आप, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसका जो पे लेवल है 2 है 19,900 से लेकर 63,200। इसके अलावा डीईओ का जो पे लेवल 4 है और लेवल 5 की भी वैकेंसी हैं। डीईओ ग्रेड ए की भी वैकेंसी निकली है पे लेवल 4 के अंदर। यहाँ पे लगभग 4,500 वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। हाउएवर फर्म वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। अपडेटेड वैकेंसी इफ एनी अलॉन्ग विद पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। ओवरऑल बता दी उन्होंने 4,500 वैकेंसीज हैं, और बाकी कैटेगरी पोस्ट यानी कि किस पोस्ट के लिए किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी है उसकी जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर दी जाएगी। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है जो कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होता है वो फॉलो करा जाएगा। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिटीजन ऑफ इंडिया या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान आप होने चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, और एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी। एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 18 to 17 ईयर, 18 से 27 साल एज लिमिट है। ये कब से काउंट होगी? 1 जनवरी 2022 से। इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1995, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1995 से पहले की और 1 जनवरी 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। अपर एज लिमिट में, जी हाँ ध्यान से सुनिए, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल का। बाकी एक्स सर्विसमैन और डिफेंस पर्सनल को भी यहाँ पर अलग अलग रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके क्लास 10th की मार्कशीट में जो मेंशन है वही फॉलो होगी। जो भी रिस्पेक्टेड डॉक्यूमेंटरी रिजर्व कैटेगरी का वो आपके पास होना चाहिए इन केस आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हो अपर एज लिमिट में, ठीक है। तो ये एज लिमिट की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए, फॉर एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इन सभी पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज हैं वो है, सॉरी, इन सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और वो क्वालिफिकेशन आपकी 4 जनवरी 2023 तक कंप्लीट रहनी चाहिए। एज लिमिट में अलग डेट थी कट ऑफ की, और क्वालिफिकेशन में अलग डेट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें आपको क्लास 12 पास आउट होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट पोसेस ईक्यू ऑन और बिफोर द लास्ट डेट, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन 4 जनवरी 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा या क्लास 12 ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से करी है और वो बोर्ड रिकॉग्नाइज है तो भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है जी। तो मैंने आपको एज क्राइटेरिया मोटे मोटे और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपकी फ़िलहाल आपको समझा चुका हूँ। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, सारा डिटेल आपको इस प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा जो कि आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने की फ़ीस 100 रुपीज़ है, वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो। इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ऑनलाइन फॉर्म रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की यहाँ पर जानकारी दी गई है जो कि 9 और 10 जनवरी को आप कर सकते हो, ठीक है। बट याद रखिए करेक्शन की यहाँ पे फीस लगा रहे हैं 200 रुपये की, और करेक्शन भी हर एक पर्टिकुलर में आप नहीं कर सकते हो, तो मेक श्योर कि आपको ऐसी नौबत ना आए कि आपको करेक्शन करनी पड़े। यहाँ पे सेंटर वाइज एग्जामिनेशन सिटीज़ की लिस्ट दी गई है कि कहाँ कहाँ पे आपका एग्ज़ाम रहेगा, सेंटर रीजन में कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे भागलपुर या मुजफ्फरपुर एट्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन वाइज एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट और रीजनल सेंटर का एड्रेस भी गिवन है, और आपको फॉर्म भरते वक्त 3 प्रेफरेंस देने पड़ते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के, और जो आपका कोशिश रहती है कि फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको अलॉट करा जाए।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस विल कंडक्ट इन टू टीयर्स इज इंडिकेटेड बिलो। भाई देखो, इन पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा टीयर वन का और टीयर टू का। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन CBE इफ़ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है मल्टीपल शिफ्ट में होता है, जो कि ऑब्वियसली होता ही है बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो उसका जो मार्क्स है आपके, वो जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर रहता है उसी प्रोसीजर को फॉलो अप करते हुए कैलकुलेट करा जाएगा। बाकी एग्ज़ाम के बाद आंसर्स की वगैरह आती हैं, उसको आप चैलेंज भी कर सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, उनके लिए आप वेबसाइट वगैरह भी चेक कर सकते हो। देयर शुल बी नो प्रोविजन फॉर, अच्छा कोई भी रीचेकिंग वगैरह आप नहीं करवा सकते, वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अब टीयर वन जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी स्कीम देख लीजिए जी। इसमें चार पार्ट हैं पेपर के। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस का भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन हैं 200 मार्क्स के। 60 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा, 60 मिनट का। इसके अलावा टीयर वन एज यू ऑल नो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और पार्ट वन यानी कि इंग्लिश सेक्शन के अलावा तीनों सेक्शन इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आएंगे। 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर सही आंसर है तो उसके लिए 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो गलत आंसर होगा तो उसके लिए 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आप लोगों की। ये टीयर वन का हो गया। इसके बाद बारी आती है टीयर टू। टीयर टू के अंदर कुछ सेक्शन रखे गए हैं, इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं नीचे आता हूँ। देखिए जी, टीयर टू के अंदर जो है ना तीन सेक्शन रहेंगे। सेक्शन वन के अंदर दो मॉड्यूल हैं, सेक्शन टू के अंदर भी दो मॉड्यूल हैं, और सेक्शन थ्री के अंदर भी दो मॉड्यूल हैं। बात समझ में आ गई? टीयर टू के अंदर तीन सेक्शन हैं और हर सेक्शन में दो मॉड्यूल हैं। टीयर टू के अंदर तीन सेक्शन हैं और हर सेक्शन में दो मॉड्यूल हैं, राइट? ये बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहे हैं ये, टीयर टू विल बी कंडक्टेड इन दो सेशन। भाई दो सेशन में होगा टीयर टू, सेशन वन एंड सेशन टू, ठीक है जी। ऑन सेम डे, सेम ही डे में होगा टीयर टू का एग्ज़ाम, दो सेशन में होगा। सेशन वन के अंदर इंक्लूडेड रहेगा सेक्शन वन और सेक्शन टू एंड मॉडल वन ऑफ सेक्शन थ्री, ठीक है जी। टीयर टू आपका दो सेशन में होगा, तो सेशन वन में इंक्लूड रहेगा सेक्शन वन, इसके दोनों मॉडल, ये मैथमेटिकल है और रीजनिंग वगैरह है। सेक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह और जनरल अवेयरनेस, और मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थ्री यानी कि कंप्यूटर नॉलेज मॉडल, ठीक है जी। बात समझ में आ गई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये दोबारा पढ़ सकते हैं हम। टीयर टू विल बी कंडक्टेड इन टू सेशन, सेशन वन एंड सेशन टू ऑन सेम डे। सेशन वन विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेशन सेक्शन वन एंड सेक्शन टू एंड मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थ्री, और सेशन टू विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉडल टू ऑफ सेक्शन थ्री, यानी कि दो सेशन में रहेगा। पहले सेशन में सारे पेपर जो ऊपर लिखे गए हैं सेक्शन और मॉड्यूल सारे हो जाएंगे सेशन में। दूसरे सेशन में सेक्शन थ्री का सेकंड मॉड्यूल होगा जो कि स्किल टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, स्किल टाइपिंग टेस्ट है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इनका डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब क्या क्या सेक्शन रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो सेशन वन के अंदर जो सेक्शन वन है उसके दो मॉड्यूल हैं, 30-30 क्वेश्चन हैं हर मॉड्यूल के, टोटल 60 क्वेश्चन होगा 180 मार्क्स के, राइट। यहाँ पर टाइमिंग की ड्यूरेशन, यहाँ पर ड्यूरेशन भी गिवन है। इसके अलावा सेशन वन के अंदर ही जो सेकंड सेक्शन है उसके भी दो मॉड्यूल हैं, इंग्लिश वगैरह के और जनरल अवेयरनेस के। और सेक्शन थ्री के अंदर भी दो मॉड्यूल हैं, पहला जो मॉड्यूल है कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है और दूसरा है स्किल टेस्ट, ठीक है जी। ये बात आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या है जी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ वन मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन वन, सेक्शन टू एंड मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थ्री। सिंपल सी बात है भाई, टीयर टू के अंदर हर गलत आंसर के लिए एक मार्क्स डिडक्ट होगा, एक्सेप्ट फॉर सेक्शन टू ऑफ मॉड्यूल टू ऑफ सेक्शन थ्री। अब मॉड्यूल टू जो है ना सेक्शन थ्री का, वो भाई कोई टेस्ट, वो कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, वो आपका स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है वो, इसकी बात अभी हम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थ्री, सेक्शन थ्री का जो मॉड्यूल वन है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है वो सभी के लिए मैंडेटरी है, लेकिन वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मैंडेटरी है बट वो क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है जी, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अच्छा जी, मॉड्यूल टू जो है सेक्शन थ्री का, वो है आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट।
अब इसमें क्या कह रहा है, जो मॉड्यूल 2 होगा सेक्शन 3 का विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, जो कि दूसरे सेशन में होगा। स्किल टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये भी क्वालिफाइंग नेचर होगा। एरर इन स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, जो एरर रहेगा वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक की कैलकुलेट होगा। और जो भी स्कीम है वो यहाँ पर मेंशन है, इसी स्कीम के अकॉर्डिंग जो स्किल टेस्ट है यानी कि जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल टू है वो उसकी स्कीम यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। स्किल टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर, नो कैंडिडेट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन द स्किल टेस्ट। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है उसके लिए मैंडेटरी है डेटा, ये स्किल टेस्ट। पार्ट ए क्या होगा, स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ DEO ग्रेड ए, डेटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर एंड कंप्यूटर विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड्स की डिप्रेशन एज पर गिवन पैसेज। ड्यूरेशन विल बी 15 मिनट एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 2000 to 2200 की डिप्रेशन। तो बेसिकली ये डिटेल गिवन है कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा मॉड्यूल टू जो होगा सेक्शन 3 का वो DEO पोस्ट के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। पार्ट बी टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट दैट इज़ LDA एंड JSA। अच्छा, डेटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा जो लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा और जो मैंने अभी ऊपर वाला बताया था आपको उसके लिए डेटा एंट्री टेस्ट होगा, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें आप देख सकते हो मीडियम जो होगा हिंदी या इंग्लिश रहेगा और आपको मीडियम चूज़ करना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। मीडियम चूज़ करना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त, उसको चेंज नहीं कर सकते आप बाद में, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पर मीडियम का लिखा, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो 35 वर्ड्स पर मिनट का है और हिंदी मीडियम है तो 30 वर्ड्स पर मिनट का है, ठीक है। और यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं टाइपिंग और स्किल टेस्ट की। इसके अलावा नीचे आऊँगा तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस गिवन रहेगा, टीयर वन में जितनी भी सेक्शन है उनका डिटेल सिलेबस है। एंड देन फिर नीचे स्क्रॉल करूँगा तो टीयर टू में जितने भी मॉड्यूल या सेशन हैं उनका सबका डिटेल सिलेबस नीचे गिवन रहेगा। बाकी उसके बाद क्या आता है हमारा, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी रहेंगी कि भाई जो भी एग्ज़ाम रहेगा उससे पहले एडमिट कार्ड वगैरह आता है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, वो सब चीज़ें इसमें लिखी रहेंगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए रहते हैं आपको वो सब चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम के टाइम पर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सब चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन इज़ बिंग हेल्ड फॉर मल्टीपल पोस्ट फॉर वेरियस मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफिसेस, प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शनल फॉर्म ऑन द वेबसाइट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है, अब SSC CHSL है इसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट हैं वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं, तो उनका आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा और वो प्रेफरेंस ऑनलाइन भरवाया जाएगा फाइनल रिजल्ट से पहले पहले। अ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर फॉर अ पोस्ट और अ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इफ़ ही हैज़ नॉट इंडिकेटेड हिज प्रेफरेंस, अगर आपने प्रेफरेंस नहीं दी फॉर्म के अंदर तो आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा चाहे आपके मार्क्स कितने भी हों। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये वाला ऑप्शन आप ज़रूर से चूज़ करें, पोस्ट प्रेफरेंस वाला, ठीक है। जो भी टाइम लिमिट होगी उसके अकॉर्डिंग। बाकी DV के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर मांगे जाएंगे उनकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है भाई, ये भी पढ़ लेते हैं। जो टीयर वन है सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लिखे हुए हैं कि अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स लाओ, हर टीयर वाइज लिखे हुए हैं ये, तो ये आप देख लीजिएगा। ये टीयर वाइज भी लिखे हैं और सेक्शन वाइज भी लिखे गए हैं। टीयर वन में तो आपको लाने हैं सभी सेक्शंस को मिला के, और टीयर टू के अंदर जो अलग अलग सेक्शन थे 3 सेक्शन थे उनके भी आपको हर सेक्शन में अलग अलग ये यहाँ पे मार्क्स लाने हैं। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर वन, ठीक है। टीयर वन की जो परफॉर्मेंस होगी जो कट ऑफ आएगी उसके बेसिस पर टीयर टू के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। देयर में भी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन टीयर वन एंड सब्सिक्वेंट टीयर फॉर डिफरेंट पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी टीयर वन एग्ज़ाम के बाद एंड देन फिर टीयर टू एग्ज़ाम के बाद। टीयर टू एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन टीयर वन, इन टीयर टू ऑल द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन ऑल 3 सेक्शन। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो टीयर टू है उसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे वो टीयर वन के मार्क्स के बेसिस पर होंगे और टीयर टू के जितने भी सेक्शन हैं वो सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी हैं। टीयर टू इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन, सभी में अपियर होना मैंडेटरी है और हर सेक्शन वाइज जो कट ऑफ आएगी उसमें आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा।
बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट का मतलब ये है कि टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पर आपको टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, टीयर 2 में सारे सेक्शन देना आपको मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, टीयर 2 के अंदर जो दो सेक्शन रहेंगे इनके मार्क्स के बेसिस पर ये डिसाइड करा जाएगा कि किस किस बच्चे का टीयर 2 का सेक्शन 3 इवेलुएट करना है या नहीं करना। जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 के मार्क्स को, उसका सेक्शन 3 नहीं इवेलुएट करा जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 इज़ क्वालिफाइंग नेचर, इन अदर वर्ड्स बोथ मॉड्यूल्स दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट स्किल टेस्ट आर क्वालिफाइंग इन नेचर, और सेक्शन 3 जो है टीयर 2 का वो क्वालिफाइंग नेचर है। उसके मार्क्स ओवरऑल कंसिडर नहीं करे जाएंगे, लेकिन उसके मार्क्स भी तब कंसिडर करे जाएंगे जब आप सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्लियर करोगे, ठीक है। इस पॉइंट को समझ लीजिए बहुत केयरफुली कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिलाकर जो कट ऑफ आएगी उस कट ऑफ को डिसाइड करा जाएगा कि भाई किस किस बच्चे का सेक्शन 3 इवेलुएट करना है, और सेक्शन 3 जिन जिन का इवेलुएट करा जा रहा है वो सिर्फ ये देखेंगे कि बच्चा क्वालिफाई है या नहीं है। ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके लिए सेक्शन 3 के मार्क्स कंसीडर नहीं करे जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारा क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया। बाकी मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन है सिर्फ उसके बेसिस पर ही जो मेरिट लिस्ट होगी वो तैयार करी जाएगी। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ टीयर 2 एग्जाम ओनली सब्जेक्ट टू क्वालिफाई सेक्शन 3। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि भाई टीयर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के एग्रीगेट मार्क्स ही आपका बेस होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, प्रोवाइडेड कि सेक्शन 3 आपने क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 3 को फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और वहीं टीयर 1 भी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ हैं वो बनेंगे, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ और जो आपके प्रेफरेंस आपने दिया होगा उसके बेसिस पर। टाई केसेस का यहाँ पे सारा लिखा गया है कि अगर मार्क्स सेम जितने तो क्या क्राइटेरिया फॉलो करा जाएगा। बाकी नीचे जो भी इंस्ट्रक्शन रहती है हर एक SSC के नोटिफिकेशन में वो इंस्ट्रक्शन मेंशन है। फॉर्म वगैरह कैसे भरना है वो डिटेल सारी यहाँ पर मेंशन है, इसको आप ज़रूर से थॉरली रीड आउट कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। और एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि जो कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज डिटेल है उसका आप वेट करना चाहते हो तो उसका वेट कर लीजिएगा। हालांकि पोस्ट की प्रेफरेंस अभी भरवाई नहीं जा रही तो उसका वेट करने का कोई तुक बनता नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। लास्ट डेट 4 जनवरी है आई थिंक, तो 4 जनवरी तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। शेड्यूल 2 है, रीजनल वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ पोस्ट के लिए, तो वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।